फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये स्टार शेप डोरमेट बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये जो नीचे बना हुआ है ये 28 फंदे का है और ये काफ़ी बड़ा है। देखिए, ये लगभग 22 इंच का है, तो इतना बड़ा मैं नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको 21 फंदे का बनाना बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह से इसमें फंदे डाल लेते हैं। देखिए, इसमें 21 फंदे डाल लिए हैं। अब देखिए, यहाँ से फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। पहले ही लाइन से स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह से पहला फंदा इस तरह से उठा लेते हैं, दूसरे फंदे से फंदा बढ़ा लेते हैं। देखिए, ये इस तरह से एक बार बिन लेंगे इसे, फिर धागा पीछे कर देंगे, फिर यहाँ से इसी में पिरो के फिर से इसमें से निकाल लेंगे। तो ये दो फंदे हो गए, तो एक फंदा बढ़ गया। अब इसी तरह से बिनते हुए जाएंगे, उल्टा उल्टा ही बिनना है और अंत में तीन फंदे छोड़ेंगे। इन तीन फंदों को छोड़ देंगे, नहीं बिनेंगे। इसमें तीन तीन फंदे छोड़ने हैं। ये देखिए, नीचे के तीन फंदे छोड़ देते हैं, धागा पीछे कर देते हैं, पीछे से सबको उल्टा ही बिनना है। देखिए, जो बड़े हुए हैं उन्हें भी उल्टा ही बिन लेंगे इस तरह से। अब इधर से फिर से सामने की तरफ आ गए, फिर से पहला फंदा उठा लेंगे, दूसरे फंदे में फंदा बढ़ाएंगे। हर बार ऐसे ही करना है इस तरह से। इस तरह से, और फिर से बिन के जाना है और नीचे से तीन फंदे छोड़ देने हैं। इस तरह बिनते हुए जाएंगे और फिर से तीन फंदे छोड़ देंगे। तो इसमें 21 फंदे थे, तो पहले 21 फंदे तक छोड़ लेते हैं तीन तीन फंदे करके, और यहाँ पे एक एक फंदा करके बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद आगे बताते हैं कि आगे कैसे करना है। तो इतना कर लेते हैं, इधर से फिर से तीन फंदे छोड़ेंगे और इधर से एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से 21 फंदे तक कर लेते हैं। देखिए, इसमें 21 फंदे तक छोड़ दिए हैं, एक एक तीन तीन फंदा करके। यहाँ पे इस तरह से 21 फंदे छोड़े, जिसे यहाँ पे 7 फंदा बढ़ गया। देखिए, 3 और ये 4, 7। अब देखिए क्या करना है। अब जो बढ़े हुए हैं उन्हीं में से तीन तीन फंदे छोड़ने हैं। तो फिर से यहाँ पे इस तरह से पहला फंदा उठा के दूसरे फंदे में फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। ये बढ़ गया और फिर से तीन फंदे छोड़ देंगे। तो 21 फंदे पहले छूटे थे और तीन फंदे छोड़ देंगे तो ये 24 फंदे छूट गए। उल्टे साइड से इसे बिन लेते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं कि इसमें कैसे बढ़ता है। तो 21 फंदे तक कर लिए थे, फिर जो बढ़ा हुआ फंदा था उसमें से अब छोड़ रहे हैं। तो ये 24 फंदे तक छोड़ दिए, अब फिर से फंदा बढ़ा लेंगे दूसरे फंदे में, और ये तीन फंदे जो हैं इन्हें ही छोड़ देंगे, यहीं से पीछे कर देंगे। धागा पीछे ही है, तो पीछे से फिर इन तीनों को जो बढ़ा हुआ है उन्हें ही बिन लेंगे। इस तरह से अब देखिए, इसमें 21 फंदे तक 7 फंदे बढ़े थे और दो बार किए तो और दो फंदे बढ़ गए। तो अब इसमें देख लेते हैं कितने फंदे हैं। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और ये 30। इसमें भी 30 फंदे हैं। अब यहाँ से एक लाइन नीचे तक बिनते हुए चले जाएंगे। पहला फंदा उठा लेते हैं इसी तरह से और बिनते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे।
इसमें जो पत्ती नुकीली जैसे है, इसी वजह से होता है कि जब हम लोग बढ़ाते हैं जो फंदा बढ़ के बचता है उसमें से भी तीन तीन फंदे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इसकी पत्ती नुकीली निकलती है। अब नीचे की तरफ चले जाते हैं यहाँ तक। ये देखिए नीचे की तरफ आ गए। फिर से इसे बिनते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये लास्ट वाला को नहीं बिनिएगा क्योंकि इससे थोड़ा गैप बन जाता है, और थोड़ा टाइट ही रखिएगा इसे। जो बीच में जो गोल जैसा बचता है वो वाला बहुत बड़ा बन जाता है अगर इसे टाइट नहीं रखिएगा तो। फिर से बिनते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो देखिए ये 21 फंदे का स्टार्ट हुआ और ये 30 फंदे का डोरमेट बनने वाला है। तो मैं 28 फंदे का उसमें बनाई थी जो इससे पहले दिखा रही थी, वो बहुत बड़ा बन गया था। तो कमेंट आ रहे थे कि छोटा बताइए, तो इसलिए मैं आज 21 फंदे का बता दे रही हूँ। तो चले जाते हैं ऊपर की तरफ बिनते हुए। देखिए बिनते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अभी इस कांटे पे 30 फंदे हैं। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन बनाए हैं, मतलब यहाँ 9 फंदे बढ़ाए हैं। तो इस साइड में अब 9 फंदे घटाना है। तो देखिए जिस तरह पहले लाइन में 3 फंदे छोड़े थे और यहाँ 1 फंदा बढ़ाए थे, वैसे ही अब इधर से एक एक फंदा घटाते जाना है। तो देखिए इस तरह से पहला फंदा उठा लेंगे और ये 2 फंदे का 1 कर देंगे। तो देखिए ये बन गया, यहाँ पे 2 फंदे बचे, लेकिन अंत में हम लोग यहाँ पे 3 फंदा था तो ये 3 फंदा हो गया, 1 फंदा घट गया इस तरह से। अब बाकी पीछे से ही यहीं से मुड़ जाना है और पीछे से इन दोनों को ही सिर्फ बिन लेना है। पहले जब हम लोग बढ़ा रहे थे तो इधर से 3-3 फंदे छोड़ रहे थे और इधर से बढ़ा रहे थे, अब दोनों काम यहीं पर होगा, घटाएँगे भी और इधर से ही 3-3 फंदे बनाते जाएंगे। तो फिर से पहला फंदा उठा लिए हैं, अब इन दोनों फंदों को 1 कर देंगे। 1 कर दिए इस तरह से, और इसके बाद का 2 फंदा बिन लेंगे तो ये 3 फंदे हो जाएंगे। 1 इसमें चला गया और ये 2 फंदे यहाँ पे हो रहा है कि दोनों ही काम एक ही जगह पे हो रहा है, घट भी रहा है और 3-3 फंदे बिनते भी जा रहे हैं। और इस इधर में जब कर रहे थे तो इधर में बढ़ा रहे थे और इधर में 3-3 फंदे छोड़ रहे थे। तो देखिए इस तरह से पीछे से इन चारों को बिन लेते हैं इस तरह से। इसमें 9 फंदा बढ़ाए थे तो 9 ही फंदा घटाएंगे। देखिए इस तरह से फिर से 1 फंदा उठा लेंगे, ये 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए 2 का 1 कर दिए इस तरह से, और फिर इसके बाद का 1 फंदा बिनेंगे। 4 फंदा था 1 कर दिए तो 3 फंदा हो गया, और इसके बाद का फिर 3 फंदा बिन लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये 3 फंदे बिन लेंगे। पीछे से बिन लेंगे। शुरुआत में 1-2 लाइन बनाने के बाद फिर इजी हो जाता है समझने में। ये देखिए फिर से वही करेंगे, 2 का 1 कर दिए, ये बिन लिए, और ये जो गैप समझ में आएगा देखिए यहाँ तक बिने थे पहले वाले लाइन में, इसके बाद और 3 फंदे बिन लेंगे। बिन लिए 3 फंदे, देखिए अब यहाँ तक बिने थे इन 3 फंदे बिन लिए। फिर यहाँ से पीछे, पीछे से सबको उल्टा ही बिनना है। देखिए फिर से यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे और बिनते जाएंगे और ये 3 फंदे बिन लेंगे, सॉरी ये 3 फंदे बिन लेंगे। ऐसे ही करके 3-3 फंदे करके बिनते जाना है और यहाँ से एक एक फंदा घटाते जाना है। तो हम लोग यहाँ पहले लाइन में ही यहाँ पे
दो का एक कर दिए थे, जबकि इधर में हम लोग का अंत में तीन ही फंदा था तो उसमें बढ़ाए नहीं थे, लेकिन यहाँ पे घटा दिए थे तीन फंदे को, दो दो का एक कर दिए थे तो दो फंदे बच गए थे। तो वैसे ही जब हम लोग बीनते जाएंगे तो देखिएगा अंत में तीन फंदे बिना बिने हुए बच जाएंगे। तो यहाँ तक कर लेते हैं, देखिए घटाते घटाते यहाँ तक आ गए। अब इधर में सिर्फ 6 फंदे रह गए हैं और इधर में 16 फंदे, तो अभी 22 फंदे हैं। तो एक बार और इसमें घटाएंगे तो ये 21 फंदे का हो जाएगा। देखिए इस तरह से दो का एक कर देंगे, 8 फंदे घट चुके हैं, ये 9वां फंदा घट गया। अब फिर से बीनते हुए जाएंगे और तीन फंदे बीन लेंगे इसके बाद का। चले जाते हैं इन तीनों फंदे को बीनने के लिए, देखिए इन तीनों को बीन लेते हैं। यहीं से पीछे कर देंगे धागे को, पीछे से सबको बीन लेते हैं उल्टा उल्टा। ये देखिए फिर से, देखिए यहाँ पे आ गए हैं फिर से, इसमें 21 फंदे हो गए लेकिन यहाँ तीन फंदे बच गए। ऐसा इसलिए हुआ कि अंत में जब तीन फंदे थे तो हम लोग फिर बढ़ाए नहीं थे, लेकिन यहाँ पे शुरुआत से ही तीन फंदे में घटाना स्टार्ट कर दिए थे। तो 9 फंदा बढ़ाएं और इधर से 9 फंदा 9 लाइन में, ये 9वां लाइन में घटा दिए। अब ये 10वां लाइन में सबको एक साथ बीन लेंगे, 21 फंदा है इसमें घटाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो घटाना था वो शुरुआत में ही हम लोग ऊपर में ही यहीं पे घटा दिए थे इसीलिए। अब यहाँ से सबको एक साथ बीन के नीचे की तरफ चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से दूसरे कलर से बीन लेंगे, अब यहाँ से दूसरे कलर से बीन लेते हैं। बीनते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गए। अब सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है दूसरी कली से कि 9 फंदे बढ़ाने हैं और 9 फंदे घटाने हैं। तो तीन तीन फंदे छोड़ते जाएंगे और एक एक फंदा यहाँ सेकंड वाले फंदे पे बढ़ाते जाएंगे। पहली कली में तो देख लिए कि कैसे कैसे बढ़ाए हैं, तो कुल मिला के 9 फंदे बढ़े थे, तो ऐसे ही 9 फंदे ही बढ़ा लेते हैं दूसरी कली में भी। इस तरह से फंदे बढ़ा लेंगे, फिर से बीनते हुए चले जाएंगे। ये देखिए तीन फंदे छोड़ देंगे, पीछे से सबको बीन लेंगे। ऐसे ही तीन तीन फंदा छोड़ते हुए और एक एक फंदा बढ़ाते हुए 9 फंदे तक बढ़ा लेते हैं। ये देखिए इधर 21 फंदे तक छोड़ दिए, जिससे 7 फंदे बढ़ गए हैं। अब दो बार इसी में से छोड़ देंगे और दो बार बढ़ाएंगे तो यहाँ 9 फंदे तक बढ़ा लेंगे। तो ये 7 फंदे में फिर तीन फंदे छोड़ेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर तीन फंदे छोड़ेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, इस बढ़ा लेते हैं। ये एक बार बढ़ गया, नीचे से और तीन फंदे छोड़ लेते हैं। पीछे से बीन लेंगे, फिर से बढ़ा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये जो तीन फंदे हैं इन्हें ही छोड़ना है इस बार, तो इसे ही छोड़ देंगे। ये अंत में सिर्फ तीन फंदे बचेंगे, पीछे से इन तीन फंदों को ही बीनेंगे। ये देखिए ये जो तीन फंदे बीनते हैं, ये अंत में तीन फंदे हैं इन्हें ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब इधर में यहाँ पे ये मिडल लाइन बनाने के बाद यहाँ पे तीन फंदे में घटा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये एक फंदा जब लास्ट में आते हैं तो यहाँ तीन फंदा बच जाता है, इसी की वजह से, इन तीन फंदों की वजह से, क्योंकि यहाँ तो हम लोग बढ़ाते नहीं हैं, यहाँ से डायरेक्ट अब सबको एक साथ बीन लेते हैं। तो लेकिन घटाते समय शुरुआत में ही घटा देते हैं, इसके वजह से बचता है। तो इस लाइन को पहले बना लेते हैं, नीचे तक चले जाते हैं, फिर एक बार बीनते हुए ऊपर तक चले जाएंगे, मिडल वाला लाइन बना रहे हैं। अब देखिए शुरुआत से ही घटाना स्टार्ट कर देंगे, तो ये दो फंदे का
एक कर देंगे। तो ये जो अंत में यहाँ पे तीन फंदे था तो वो तीन फंदे वैसे ही थे, तो देखिए एक इसमें घट गया और ये दो बच गए हैं। यहीं से धागा पीछे कर देंगे। अब पीछे से दोनों को बिन लेंगे। अब तीन तीन फंदे इधर से बिनते जाना है और एक एक फंदा घटाते जाना है। दोनों ही काम यहीं ऊपर में ही कर लेना है। तो देखिए फिर से ये दो एक उठा लिए। अब ये तीन फंदे को बिनना है, तो ये फंदा और ये एक दो फंदे को मिला करके एक कर देंगे। तो ये घट गया इस, और ये जो दो फंदे बचे थे उन्हें बिन लेंगे इस तरह से। और फिर पीछे कर देंगे यहाँ से धागा, पीछे से सबको। ये चारों को बिन लेंगे। फिर से पहला फंदा उठा लेंगे और दूसरे में से दो घटा देंगे इस तरह, सॉरी दूसरे में से एक कर देंगे दो का। और फिर ये एक बिन लेंगे और इसके बाद का और तीन फंदे बिन लेंगे, क्योंकि ये देखिए तीन फंदे बिन लिए। यहीं से धागा पीछे, पीछे से सबको बिन लेंगे। अब यहाँ से इजी हो जाएगा, यहाँ से फिर से दो का एक कर देंगे और ये जो गैप है उसके बाद का तीन फंदा बिनेंगे। फिर से यहाँ आएंगे, फिर दो का एक कर देंगे, इसके बाद का यहाँ तीन फंदा बिनेंगे। इस तरह से जो नौ फंदे बढ़ाए हैं इधर में, नौ फंदे घटा देंगे। यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए फिर से इसमें 21 फंदे मिल गए हैं। अब फिर से इसे एक लाइन इसी तरह से बिन लेंगे, यहाँ घटाएंगे नहीं, और बिनते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे। ये बिन लिए, ऐसे ही बाकी कलियों को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी सारी कलियों को कंप्लीट कर लेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।